हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवेंदु किशोर। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें अभी हम आज आपको बताएंगे कि ब्रेजा सीएनजी और ब्रेजा नॉर्मल वाली में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को देख के आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आप सामने देख रहे हैं यह है हमारे पास ब्रेजा 2023 जो कि टॉप मॉडल में अभी अवेलेबल है। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको बुक करा सकते हैं। आप जैसी गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे राइट साइड में आप देखेंगे ये ट्रैक्शन कंट्रोल के नीचे ही आपको एक बटन दिखाई देगा सीएनजी फ्यूल का। इससे आप गाड़ी को पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकेंगे। बाकी ऑटोमेटिकली भी ये अपने आप दो कुछ सेकंड में पेट्रोल से सीएनजी में आ जाती है, पर आप यहाँ से स्विच से भी इसको चेंज कर सकते हैं अगर वापस जैसे पेट्रोल पे लाना हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। बाकी अगर आप देखेंगे जो अलग दूसरा चेंज इसमें आया है वो यहाँ पे आपके इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे है। यहाँ पे अब जो है नीचे लेफ्ट साइड में सीएनजी का मीटर गॉज दे दिया है और राइट साइड में आपका पेट्रोल का गॉज है। तो वहाँ पे आप राइट साइड में आप पेट्रोल चेक कर सकते हैं कितना है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि सीएनजी इसमें कितनी है। तो अब ये भी एक ऐड हो गया। बाकी इसमें ये जो गाड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल मैनुअल में ही अवेलेबल है। 5 स्पीड मैनुअल आती है ब्रेजा में, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड है मैनुअल में ही अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में अभी ये अवेलेबल नहीं हुई है। बाकी इसकी अगर स्क्रीन देखेंगे सेम वही स्क्रीन है जो अभी पुराने वाली 2020 ब्रेजा में आई थी, वही स्क्रीन है, सब कुछ वही सेम है। सेम आप यहाँ एसी कंट्रोल या एयर फ्लो का है, यहाँ पे कूलिंग का आपके पास ऑप्शन आता है, स्विच जो कि काफ़ी इन्होंने बढ़िया इन्होंने डाले हैं। बाकी ये सारे बटन सेम वही जो ब्रेजा 2022 में था सेम वही इसमें भी ऐड कर दिया गया है। ग्लव बॉक्स में भी सेम वही स्पेस है जो पहले वाली उसमें था, तो इसमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सनरूफ की। तो सनरूफ में जो स्पेस है वो लगभग आप समझ लीजिए कि एक ही बंदा इसमें आ सकता है, वो भी अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदा है तो उसको हो सकता है इसमें दिक्कत आएगी, पर नॉर्मल बंदा इसमें आराम से आ सकता है। इसकी जो ब्लाइंड है वो ग्रैंड विटारा से फिर भी काफ़ी अच्छा है क्वालिटी के वाइज। ग्रैंड विटारा में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पतला सा कपड़ा ही दे दिया, इसमें फिर भी इसका ब्लाइंड जो है सही है। यहाँ पे इसके आपके कंट्रोल मिल जाएंगे और ये इसका सनरूफ वही सेम 22 वाला ही से यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। अब अगर आप पीछे देखें सेम वही आपके पास आर्मरेस्ट और सीट कवर वगैरह सब कुछ सेम है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्पेस वैसे सेम ही वही है पुराने वाला स्पेस, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सीट को आगे वाली सीट को अपने हिसाब से सेट कर लिया। मेरी हाइट 5'9" 5'10" के आसपास है और अब मैं आपको पीछे आपको स्पेस दिखाता हूँ। जो पीछे बंदा बैठा है उसकी हाइट 6'3" के आसपास है, तो अगर आप देखेंगे तो फिर भी ठीक ठाक डिसेंट इसमें स्पेस है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आराम से 3 जने आराम से आ जाते हैं। अब जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन होगा कि बूट स्पेस सीएनजी लगाने के बाद कितना बचता है, तो उसको हम जवाब देने के लिए अब हम पीछे बूट स्पेस में आते हैं। तो ये है आपका सीएनजी का सिलेंडर, आप देख सकते हैं सीएनजी के सिलेंडर जो है बड़ा वाला सिलेंडर इसमें लगा हुआ है। इसके बाद इतनी स्पेस बचती है। नीचे में अगर आप चाहें तो छोटा सा एक लैपटॉप बैग डाल सकते हैं या वैसा ऐसा ही कुछ छोटा सामान डाल सकते हैं। बाकी आगे में आप चाहें तो डफल बैग या कोई छोटा मोटा बैग रख सकते हैं। कोई सूटकेस तो आप इसमें नहीं कैरी कर पाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी कम स्पेस है इसके अंदर, बिल्कुल एक हाथ की स्पेस है। बाकी अगर इसकी आप ट्रे अगर हटा देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत सामान और आप डाल दें, पर नॉर्मल एक सूटकेस वगैरह या ट्रॉली वगैरह इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, छोटे मोटे डफल बैग ही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका ब्रेजा सीएनजी 2023। इसके अलावा एसयूवी सेगमेंट में टाटा ने अपनी पंच सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च की है जो कि मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें उन्होंने ट्विन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जिसे बहुत बढ़िया उन्होंने बूट स्पेस बनाया, जिसमें आराम से आप काफ़ी सारा सामान कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सेगमेंट में कोई भी एसयूवी सीएनजी वेरिएंट में लेना हो तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, ब्रेजा सीएनजी या टाटा पंच, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।